हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैथ सैंपल पेपर क्लास 4 के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारे ऐसे वन या हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, सो ऐसे में एक ऐसा सैंपल पेपर मैंने आपके लिए रेडी किया है जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और रिविजन में ये आपके लिए काफी मदद करने वाला है, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मार्क्स सेफ्टी का है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटेस्ट फोर डिजिट क्या होगा, वो होगा हमारा 4 टाइम 9। उसका सक्सेसर बताना है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ 345 एंड 985 इज। सो देखिए, जब आप 345 को एस्टिमेट करोगे तो ये 300 आएगा और 985 को करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 50। देखिए, प्राइम नंबर कौन सा होता है जो कि 1 और अपने आप से डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पे जो 49 है वो तो 1 से 7 और 49 से डिवाइड होगा, तो इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं होगा, तो लास्ट प्राइम नंबर होगा 47। द मिक्स फ्रैक्शन 4 17/8। सो 17/8 का देखिए तीनों में ऑप्शन है, नीचे 8, सो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करके देखना है। सो 8 2 जा 16, सो 2 वाला ये है, लेकिन जब 17 में से हम 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा। सो सही ऑप्शन होगा हमारा बी। 27,855 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अगर हम इसको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करते हैं सो ये आ जाएगा हमारा 27860, ठीक है, ये आंसर आएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मार्क्स बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का सही आंसर आपका आया। सोल्व द सम, यहाँ पे आपको एडिशन करना है, ये 2 मार्क्स का। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ये भी 2 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, ये भी 2 मार्क्स का। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये भी 2 मार्क्स का है। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमर्स। ये जो नंबर्स है इनको हमें रोमन न्यूमर्स में लिखना है, ये 2 मार्क्स का है। मैंने इनके अपोजिट भी दिया है, रोमन न्यूमर्स दिया और आपको हिंदू अरेबिक न्यूमर्स में लिखना है, ये भी 2 मार्क्स का है। मीन्स ये जो हमारा चैप्टर है वो 4 मार्क्स का मैंने डाला है। तो 37 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें 30 लिखना होगा जो कि ट्रिपल एक्स होता है, फिर हमें उसमें 5 एड करना होगा 35 और 2i 37। इसी तरीके से हम इधर ये लिखेंगे 26 को। 28 लिखने के लिए पहले हम डबल एक्स करेंगे 20, फिर वी 25 और 3 28। 46 लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स एल करेंगे, क्योंकि जो एल है वो 50 होता है, एक्स आगे लगाया मीन्स 40, ठीक है। और अब हम लिखेंगे 6, तो ये हो जाएगा हमारा 46, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमर्स। सो डबल एक्स मीन्स 20 और डबल एक्स आई एक्स, देखिए डबल एक्स तो 20 होता है और आई एक्स होता है 9 9, ठीक है। तो 20 प्लस 9 कितना हो गया 29। यस, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ये हो गया 30 और ये आई भी हो गया 4 34, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया 20 और 5 25। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मैथड। सो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है प्राइम फैक्टर, वो भी कौन सा ट्री यूज करते हैं, फैक्टर ट्री यूज करते हैं, यानी कि जो मेथड है वो है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। सबसे पहले हम 44 को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देन हमें यहां पर एक प्राइम फैक्टर चाहिए, सो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से बात करेंगे जो कि 2 है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 22, ठीक है। यहां पे हम जाएंगे तो 2 और 11, ये जो दो हम प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला आना चाहिए। सो अब जो है 11 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा, तो हम 11 को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ हमारे जो प्राइम फैक्टर आएंगे 44 के, वो आ जाएंगे 2 into 2 into 11, ठीक है। इसी तरीके से हम 64 का करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से चलेंगे 2। अब आप 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 32। एक ही बात है, चाहे आप मल्टीप्लाई करें या इससे डिवाइड करें। नाउ 32 में भी हम 2 सबसे छोटा लेंगे और जब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। अब फिर से हम 2 लेंगे और यहां पे आ जाएगा 8। अब फिर से 2 लेंगे और यहां पे आ जाएगा 4। और अब लास्ट में आ गया हमारा 2 and 2, ठीक है। और यहां पर हम छोड़ देंगे क्योंकि इससे आगे जो है वो डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। और अब हम देखते हैं कितने आए हैं हमारे प्राइम फैक्टर 64 के। नाउ 2
into 2 and into 2. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 and 32 2 जा 64. इसका मतलब हमारे सारे प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही हैं. सो यहां पे मैंने एक फैक्टर ट्री के लिए मार्किंग रखी है 2 मार्क्स. और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. राइट द सक्सेसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये 3 मार्क्स का है. हमें सक्सेसर लिखना है. सक्सेसर निकालने के लिए हम 1 प्लस करते हैं जो भी हमारा नंबर गिवन होता है. सो ये हो जाएगा 12,819. ये हो जाएगा हमारा 46,119. ये हो जाएगा हमारा 40,001. ठीक है, अब हमें लिखना है प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग. सो यहां से आप 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 23,879. क्योंकि 80 में से आप 1 कम करोगे तो 79. और यहाँ पे आपका आ जाएगा 39,000. सॉरी, 999. ठीक है, 39,999. जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 40,000. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. आपको इनको वर्ड्स में लिखना है. ये 3 मार्क्स का है. ठीक है, कैसे रीड करेंगे. 3,638,023, 7,53,291, 4,87,070. क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स. ये 6 मार्क्स का है. इसमें मैंने 6 लिए हैं. यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन को भी इंक्लूड किया है. सो देखिए, इन दोनों नंबर में से ये वाला नंबर बड़ा है तो साइन इस तरफ आएगा. यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है. इन दोनों नंबर में से जो है हमारा ये वाला नंबर बड़ा है. क्योंकि देखिए 46 इसमें भी है. 289 बड़ा है तो साइन इस तरफ आएगा. नाउ इनको कैसे निकालेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले ऊपर वाले को हम इस तरह से लेते हैं 8 और ये हो जाएगा 18. तो ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब 6/4 बड़ा है. ऐसे 24 और 15 यानी कि 4/5 जो है वो बड़ा है. 12 and 16. सो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है. राइट द प्रोडक्ट. अगर आपको ये समझ नहीं आया मैंने किस तरीके से किया तो मेरी कंप्लीट वीडियो फ्रैक्शन वाली आप वो भी चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने काफी अच्छे से और आराम से जो है एक्सप्लेन किया है चैप्टर. राइट द प्रोडक्ट. सो 18 फोर जो कितने होते हैं 72. नाउ काउंट द 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 15, 5 जो 75, 1, 2, 3. 27, 6 जो 4, 6. ठीक है, 7, 6, 7 जो 42, 4 कैरी आ जाएगी 12 and 4, 16. नाउ 1, 2, 3, 1, 2, 3. ये वाला क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया. आप इसकी जगह अलग से जो है कोई भी नंबर लिख सकते हैं चेंज करके. राइट द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पे हमें मल्टीपल लिखना है 5, 10, 15, 20, 25 and 30. ये 3 मार्क्स का है. आपको बाकी भी इसी तरीके से लिखना है. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. सो सबसे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सबसे पहले सबसे छोटा आएगा. सो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे ये है 1, उसके बाद 2, 3 and 4. ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 2, 6, 1, फिर 2, 3 and 4 नंबर पे. ये 2 मार्क्स का है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सबसे पहले आप सबसे बड़ा लिखोगे. सबसे बड़ा आपका पहले ये है, उसके बाद ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड ये नंबर 4. ये भी 2 मार्क्स का है. नाउ फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट. सो सबसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे इस तरीके, और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 6, 4, 3, 2. जीरो में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जीरो कभी भी आगे नहीं लगेगी. अगर आप किसी भी नंबर में जीरो आगे लगाते हैं तो वो मानी नहीं जाती है, वो काउंट नहीं होती है. ठीक है, बाद में आप कितना भी ऐड कर सकते हो लेकिन शुरू में आप ऐड नहीं कर सकते. नाउ 3044, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4430. ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स का. तो टोटल 14 क्वेश्चन है जो कि 50 मार्क्स के हैं. कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सैंपल पेपर कैसा लगा. Till then, bye bye, stay safe, stay healthy.